वेलकम है हमारे चैनल हैप्पी गेमर 2.0 में। गैज देखो, एक नया इवेंट आया अभी द पजल करके। गैज इसको बहुत ही सिंपल है पूरा करना, लेकिन बहुत बंदे नहीं कर पाते पूरा, तो इसलिए आज वीडियो बना रहे गैज। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्पफुल या मदद मिलता है तो गैज प्लीज़ सपोर्ट करो, हमारा नया चैनल है गैज हैप्पी गेमर 2.0। चलो गैज, इससे पहले कि आप लोगों को देर हो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। लिंक को टच करके खोल लेता हूँ, फिर आप लोगों को आगे बताता हूँ। सिंपल सा है गाइस, इसमें जो दिया हुआ है उसको पूरा करना और आप आराम से खोल पाओगे। बस वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा भी मिस मत करना गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ वीडियो को। इसको टच करना है गाइज, और ये जो आपका मोको करेक्टर दिया भी ऊपर से एक बॉक्स आएगा गाइज, उससे बचाना है इसको। मेरा थोड़ा नेट इशू हो रहा है। इस मोको करेक्टर को गाइज ऊपर से बॉक्स आएगा भी, उससे बचाना है ना, थोड़ा नेट इशू हो रहा है मेरा। देखते हैं गाइस, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से कट करके मुझे चालू करना पड़ेगा वीडियो। हाँ आ गया बॉक्स, वो भाई बड़ी लेट कर दी बॉक्स ने। देखो गाइस ये बॉक्स आ रहा है ऊपर से ना, इसको मोको करेक्टर के सर पे नहीं गिरने देना, नहीं तो डेड हो जाएगा मोको करेक्टर। इसको हंसकाना है, ये दोनों साइड एरो का जो दिया है कौन उस पर क्लिक करके आपको इसको हंसकाना है। बॉक्स को टच नहीं होने देना है, ठीक है, ऐसे हंसकाना। आप देख सकते हो स्क्रीन पे गाइस, ऊपर से बॉक्स आ रहा है उसको टच नहीं करने देना, ठीक है। बिल्कुल भी टच नहीं करना है, नहीं तो डेड हो जाएगा, फिर से करना पड़ेगा गाइस। अभी घसकाते हैं इसको, देखते हैं। यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है गाइस, देखो उतना टाइम तक हमको बचा के रखना है इस करेक्टर को उससे, है ना। आप लोग भी देखना, बचा के रखना। सेकंड कुछ सेकंड और बचा हुआ है, जब तक हमको बचा के रखना है इससे, बॉक्स से मोको करेक्टर को। और थोड़ा बचा है, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या रहता है। और हो गया लैब में इंटर हो गया गाइस। ये देखो आपके स्क्रीन पे ना ये बड़ा सा फिंगर वाला, इस पर क्लिक करना है। और आपको अब देखो यहाँ पे आ गया, फाइंड द डोर टू अनलॉक गाइस। इसको क्या करना है, इस दरवाजे को ना खोलना है। यहाँ पे डी डोर का स्पेलिंग लिखना है गाइस, डी डी को क्लिक करना है, फिर डबल ओ को खोजना और क्लिक करना है। डबल ओ को गाइस क्लिक करना है और फिर आर को क्लिक करना। आर कहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे। फिर ये ओपन हो जाएगा, देखो गाइस ओपन हो गया और हम लैब में इंटर। फिर देखो आपके स्क्रीन पे ना ये तीर वाला एरो होगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ नंबर मांग रहा है गाइस, देखते हैं। ये देखो ये स्विच को ऑन करना है, आप देखना आराम से, थोड़ा ये स्विच दिया हुआ है इसको ऑन करना। और इस पर देखो टाइमिंग लिखा हुआ है 11:51, ठीक है। ये आपको यहाँ पे डालना है, 11 डालना है, फिर कितना है 51 डालना है, फिर 23 डालना है गाइस, ठीक है, 23 डालना है। फिर इसके बाद ये एरो पे क्लिक करके आगे प्रोसेस पे जाएगा। ये यहाँ पे वायरस वाला आया है, देखो गाइस इस पर फिर आगे क्लिक करना है। फिर देखो यहाँ पे भी एक कोड मांग रहा है गाइस, और नीचे दिया हुआ हिंट में दिया हुआ लिखा हुआ है, देखो 22 लिखा हुआ है। इसका मतलब है गाइज कि आप देखो 2 है ना, इसमें ए वाले में 1 लिखा है, बी में 2 लिखा है, 22 तो आगे तो 2 नहीं है बी, लेकिन नीचे देखो बी वाला का 2, यानी कि बी के नीचे क्या है एच है, उसको देना है। फिर आगे देखना है 15 लिखा है, तो 1 का 5 मतलब 1 वाला ए हो गया गाइज, नीचे तो 4th लकी है, एस लास्ट 4 हो जाता है। अब इधर नहीं जाना है क्योंकि 5 तो मिल नहीं रहा मुझे, इसलिए गाइज इधर जाना है, ठीक है। राइट साइड में जाना है, राइट साइड में
मुझे 5 वाला अक्षर लेना है, ठीक है, 15 है, तो 5 पर ई है, ई को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर आगे देखो गाइज, उससे ज़्यादा आगे है क्या, 2 6 है, 2 6 है, तो पहले 2 वाले पे चले जाना है। 2 पे क्या है, ये देखो बी है 2 पे गाइज, फिर 6 6 तो नीचे है ही नहीं गाइज, तो 6 वाला वहाँ पे जाना है। राइट साइड में देखो एफ है, तो एफ पे जाना है, ठीक है, फिर आगे वाले पे जाना है। गाइज कुछ गड़बड़ लग रहा है, रुक जाओ एक बार फिर से मैं देख लूँ। 2 का 6 जाना है ना, हाँ 2 6 है, तो 2 6 इधर से नहीं जा सकते गाइज, हाँ इधर से 2 का 6, सॉरी गाइज, ये देखो 2 वाला यहाँ पे जाना है, जी वाला का ये जाना है 6, ठीक है, ये वाला बी वाले पे 2 मत जाना, ठीक है, ये वाले 2 पे जाना है। मैं फिर से इसको कट कर दे रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ ओपन, ठीक है, इसको कट कर दिया। पहले वाले में 2 का 2 था, ठीक था, यहाँ पे दे दिया एच, फिर क्या आया था, ये था 1 का 5, 1 का 5 ई था। अब 2 का गाइज, ठीक है ना, 2 का है 6, तो 2 का 6 मुझे एल लेना है, ठीक है, फिर देखते हैं, फिर है वही गाइज, 2 का 6 तो डबल एल ले लेना है हमको। फिर क्या है, 3 का 3 गाइज, तो 3 का 3 आपका हो जाएगा, 3 का 3 कौन सा हो जाएगा, 3 का 3 देखो ये हो जाएगा, 3 3 पहले ले लेना एम, एम में से 3 वाला सेलेक्ट करना है, तो 3 का 3 ओ हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 का 5 लेना गाइज, तो 4 का 5 आपका हो जाता है डब्लू, ठीक है, वो सेलेक्ट कर लेना है। 4 का 5 हो गया, बचा रह गया अब 3 का 3 गाइज, 3 का 3 फिर ओ वापिस से ओ हो गया। फिर गाइज 3 का 6 लेना, ठीक है, 3 का 6 देखते हैं आर है, तो आर ले लेना है। फिर 2 का 6 लेना है, 2 का 6 यानी कि एल ले लेना है, ठीक है। फिर 1 का 4 लेना है गाइज, यानी कि डी को ले लेना, यानी कि हमारा पूरा कोड बन गया, हेलो वर्ल्ड गाइज, ये आप दे देना, हो जाएगा। फिर यही रो पे क्लिक करना है, फिर देखते हैं क्या होता है आगे प्रोसेस, ठीक है। फिर देखो गाइज, ये गिफ्ट जो था वो क्लेम हो गया हमारा फाइनली। सो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और गाइज हमारा चैनल नया है, थोड़ा सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।